ओम शांति। 12/5/2024 के अव्यक्त बाप दादा के धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, रिवाइज हैं 30/11/99। मुरली की हेडिंग है पांचवीं ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों के खाते को जमा कर संपन्न बनो। आज बाप दादा किस सभा को देख रहे हैं? आज की सभा में हर एक बच्चा हाईएस्ट अविनाशी खजाने से रिचेस्ट है। दुनिया वाले कितने भी रिचेस्ट हों, लेकिन एक जन्म के लिए रिचेस्ट हैं। एक जन्म भी रिचेस्ट रहेगा या नहीं, यह भी निश्चित नहीं है। चाहे कितना भी रिचेस्ट इन वर्ल्ड हो, परंतु एक जन्म के लिए। और आप हो जो निश्चय और नशे से कहते हो कि हम अनेक जन्म रिचेस्ट हैं, क्योंकि आप सभी अविनाशी खजानों से संपन्न हो। आप सभी जानते हो कि हम इस समय के पुरुषार्थ से एक दिन में भी बहुत कमाई करने वाले हैं। जानते हो कि एक दिन में आप कितनी कमाई करते हो? हिसाब जानते हो ना? गाया हुआ है ना? अनुभव है ना कि एक कदम में पदम? तो सारा दिन में कितने कदम रखते हैं? अगर बाबा की याद में वो कदम हमने रखे हुए हैं, तो हर कदम में पदमों की कमाई जमा होती है। तो एक दिन में हिसाब कीजिएगा कितनी हमारी कमाई होती है। तो सारे दिन में जितने भी कदम, तो अनुभव है ना, एक एक कदम में पदम। तो एक दिन में बाप द्वारा, बाप की नॉलेज के द्वारा, याद द्वारा, हर कदम में पदम जमा होते हैं। तो सारे दिन में जितने भी कदम याद में उठाते हो, उतने पदम जमा करते हो। तो ऐसा कमाई करने वाला, खजाना जमा करने वाला विश्व में कोई होगा? वह है, विश्व में चक्कर लगा करके आओ। सिवाय आपके इतना जमा कोई नहीं कर सकता। इसलिए बाप कहते हैं, इस श्रेष्ठ स्मृति में रहो कि हम आत्माओं का भाग्य परम आत्मा द्वारा ऐसा श्रेष्ठ बना है। अपने खजाने तो जानते हो ना, समय के खजाने को भी जानते हो कि इस संगम युग का समय कितना श्रेष्ठ है। जो प्राप्ति चाहिए वह अधिकारी बन बाप से ले रहे हो। सर्व अधिकार प्राप्त कर लिया है ना। एक एक श्रेष्ठ संकल्प कितना बड़ा खजाना है, एक एक ज्ञान रत्न कितना बड़ा खजाना है। हर एक युग, हर एक गुण कितना बड़ा खजाना है। दुनिया वाले भी मानते हैं, श्वासों श्वास याद से श्वास सफल होते हैं। तो आप सबके श्वास सफलता स्वरूप हैं, व्यर्थ नहीं। हर श्वास में सफलता का अधिकार समाया हुआ है। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व खजाने एक जैसे ही दिए हैं, सर्व भी दिए हैं और समान भी दिए हैं। कोई को एक गुणा, कोई को 10 गुणा, कोई को 100 गुणा आदि आदि ऐसे नहीं दिया। देने वाले दाता ने एक एक बच्चे को सर्व खजाने ब्राह्मण बनते ही समान रूप में दे दिया। लेकिन खजाने को कितना जमा करते हैं, कितना गंवाते हैं, यह हर एक के ऊपर है। हर एक को चेक करना है, हम सारे दिन में कितना जमा करते हैं या कमाते हैं। चेक करते हो?
हाँ सभी चेक करते हो, चेक जरूर करना है, क्योंकि एक जन्म के लिए नहीं है लेकिन हर जन्म के लिए है, अनेक जन्म के लिए जमा करना चाहिए। जमा करने की विधि जानते हो ना, बहुत सहज है, सिर्फ बिंदी लगाते जाओ, बिंदी याद है तो जमा होता है। जैसे स्थूल खजाने में भी एक के साथ बिंदी लगाते जाओ तो बहुत बढ़ता जाता है ना, तो जमा होता है। ऐसे ही आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी, ड्रामा में जो बीत चुका वह भी फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। अगर हर खजाने को बिंदी रूप से याद करो तो जमा होता जाता है, अनुभव है ना। बिंदी लगाई व्यर्थ से जमा होता जाता, बिंदी लगानी आती है ना। कई बार ऐसे होता है जो कोशिश करते हो बिंदी लगाने की लेकिन बिंदी की बजाय लंबी लाइन लग जाती है, बिंदी के बजाय क्वेश्चन मार्क हो जाता है, आश्चर्य की लाइन लग जाती है। तो जमा का खाता बढ़ाने की विधि बिंदी और गंवाने का रास्ता लंबी लाइन लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना, आश्चर्य की मात्रा लगाना। सहज क्या है, बिंदी लगाना ना, बहुत सहज विधि है। संपन्न बहुत सहज विधि है, स्वमान और बाप की याद तथा फालतू को फुल स्टॉप लगाना। बाप दादा ने पहले भी कहा है, रोज अमृत वेले अपने आप को तीन बिंदियों की स्मृति का तिलक लगाओ तो एक खजाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर समय हर खजाना जमा होता जाएगा। बाप दादा ने सभी बच्चों को हर खजाने के जमा का चार्ट देखा, हर बच्चे का जमा का चार्ट देखा। उसमें क्या देखा, अभी तक भी जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना नहीं है। समय संकल्प बोल व्यर्थ भी जाता है, चलते चलते कभी समय का महत्व इमर्ज रूप में कम होता है। अगर समय का महत्व सदा याद रहे, इमर्ज रहे, तो समय को और ज़्यादा सफल बना सकते हो। सारे दिन में साधारण रूप में समय चला जाता है, गलत नहीं लेकिन साधारण। ऐसे ही संकल्प भी बुरे नहीं चलते लेकिन व्यर्थ चले जाते हैं। एक घंटे की चेकिंग करो, हर घंटे में समय या संकल्प कितने साधारण जाते हैं, जमा नहीं होते। फिर बाप दादा इशारा भी देते हैं तो बाप दादा को ही दिलासे बहुत देते हैं, बाबा ऐसे थोड़ा सा संकल्प है बस, बाकी नहीं। संकल्प में थोड़ा चलता है, संपूर्ण हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, अभी अंत थोड़ी आया है, थोड़ा समय तो पड़ा है, समय पर संपन्न हो जाएंगे। लेकिन बाप दादा बार बार कहते हैं कि जमा बहुत समय का चाहिए, ऐसे नहीं जमा का खाता अंत में संपन्न करेंगे, समय आने पर बन जाएंगे। बहुत समय का जमा हुआ बहुत समय चलता है। वर्षा लेने में तो सभी कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, अगर हाथ उठाएंगे तो त्रेता युगी बनेंगे, तो कोई नहीं हाथ उठाता। और लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो सभी हाथ उठाते। अगर बहुत समय का जमा का खाता होगा तो पूरा वर्षा मिलेगा, अगर थोड़ा सा जमा होगा तो फुल वर्षा कैसे मिलेगा। इसलिए सर्व खजाने को जितना जमा कर सको उतना अभी से जमा करो, हो जाएगा आ जाएगा, गें गें नहीं करो, करना ही है, यह है दृढ़ता। अमृत वेले जब बैठते हैं, अच्छी स्थिति में बैठते हैं, तो दिल ही दिल में बहुत वायदे करते हैं, यह करेंगे यह करेंगे,
कमाल करके दिखाएंगे, ये तो अच्छी बात है। श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, लेकिन बाप दादा कहते हैं इन सब वायदों को कार्य में लगाओ। सिर्फ बाप वायदा नहीं करो बाप से, लेकिन जो भी वायदे करते हो वह मन वचन कर्म में लाओ। बच्चे संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, बाप दादा उस समय खुश होते हैं, क्योंकि हिम्मत तो रखते हैं ना, ये बनेंगे ये करेंगे आदि आदि। हिम्मत बहुत अच्छी रखते हैं तो हिम्मत पर बाप दादा खुश होते हैं, परंतु जब कार्य में आना होता है तो कभी कभी हो जाता है। वायदा करना बहुत सहज है, लेकिन कर्म में करना माना वायदा निभाना। वायदे करने वाले बहुत हैं, लेकिन निभाने में नंबर वार हो जाते हैं। तो संकल्प और कर्म को, प्लान को और प्रैक्टिकल दोनों को समान बनाओ। बना सकते हो ना? बिजनेस वाले आए हैं, बिजनेस वाले तो बिजनेस करना जानते तो हैं ना, जमा करना जानते हो ना। और इंजीनियर व वैज्ञानिक भी प्रैक्टिकल में काम तो करते हैं ना। और जो रूलर रूरल हैं, ग्रामीण प्रभाग हैं बाप दादा, उन्हों को रूलर कहते हैं, क्योंकि अगर ये सेवा नहीं करते तो कोई चल नहीं पाते। तो तीनों ही विंग जो आए हैं वो कर्म करने वाले हैं, सिर्फ कहने वाले नहीं हैं, करने वाले हैं। तो सभी वायदे कर्म में निभाने वाली आत्माएं होना, या सिर्फ वायदा करने वाले हो। वायदे के समय तो बाप दादा को हिम्मत दिखाकर खुश कर देते हैं। बाप दादा के पास हर एक बच्चे के वायदों का फाइल है। वहाँ वतन में वायदों का फाइल रखने के लिए अलमारी जगह की भी बात नहीं है। कभी कभी बाप दादा अपनी अलौकिक टीवी अचानक खोलते हैं, सदा नहीं खोलते, कभी कभी खोलते हैं, तो सब सुनने में आता है। जो आपस में बोलचाल करते हैं वह भी सुनते हैं, इसलिए बाप दादा कहते हैं व्यर्थ को जमा के खाते में जमा करो, उसको समर्थ बनाओ और जमा के खाते में जमा करो। ब्राह्मण अर्थात अलौकिक, ब्राह्मण जीवन का महत्व बहुत बड़ा है, प्राप्तियां बहुत बड़ी हैं, स्वमान बहुत बड़ा है, और संगम के समय पर बाप का बनना ये बड़े से बड़ा पदम गुणा भाग्य है। इसलिए बाप दादा कहते हैं कि हर खजाने का महत्व रखो। जैसे दूसरों को भाषण में संगम युग की कितनी महिमा सुनाते हो, अगर आपको कोई टॉपिक देवे कि संगम युग की महिमा करो तो कितना समय कर सकते हो? एक घंटा कर सकते हो? टीचर्स बोलो, जो कर सकता है वो हाथ उठाओ। तो जैसे दूसरों को महत्व सुनाते हो, महत्व जानते बहुत अच्छा हो, बाप दादा ऐसे नहीं कहेगा कि जानते नहीं। जब सुना सकते हो तो जानते हैं, तब तो सुनाते हैं ना। सिर्फ है क्या कि मर्ज हो जाता है, इमर्ज रूप में स्मृति रहे वो कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा। तो अपना ईश्वरीय नशा इमर्ज रखो। हाँ, मैं तो हो गई हो गया आदि आदि नहीं, प्रैक्टिकल में हूँ आदि आदि, यह इमर्ज रूप में हो निश्चय है, लेकिन निश्चय की निशानी है रूहानी नशा। तो सारा समय नशा रहे, रूहानी नशा, मैं कौन, ये नशा इमर्ज रूप में होगा तो हर सेकंड जमा होता जाएगा। तो आज बाप दादा ने जमा का खाता देखा, इसलिए आज विशेष अटेंशन दिला रहे हैं कि समय की समाप्ति
अचानक होनी है। यह नहीं सोचो कि मालूम तो पड़ता रहेगा, समय पर ठीक हो जाएंगे। जो समय का आधार लेता है, समय ठीक कर देगा या समय पर हो जाएगा, उनका टीचर कौन, समय या स्वयं परमात्मा? परम आत्मा से संपन्न नहीं बन सके और समय संपन्न बनाएगा तो इसको क्या कहेंगे? समय आपका मास्टर है या परमात्मा आपका शिक्षक है? तो ड्रामा अनुसार अगर समय आपको सिखाएगा या समय के आधार पर परिवर्तन होगा तो बाप दादा जानते हैं प्रारब्ध भी समय पर मिलेगी। तो समय आपका इंतजार कर रहा है, आप समय का इंतजार नहीं करो, वह रचना है, आप मास्टर रचता हो। तो रचता का इंतजार रचना करे, आप मास्टर रचता, समय का इंतजार नहीं करो। और मुश्किल है भी क्या, सहज को स्वयं ही मुश्किल बनाते हो। मुश्किल है नहीं, मुश्किल बनाते हो। जब बाप कहते हैं जो भी बोझ लगता है वह बोझ बाप को दे दो, वो देना नहीं आता क्या? बोझ उठाते भी हो और फिर थक भी जाते हो, फिर बाप को उलाना भी देते हो, क्या करें कैसे करें आदि आदि। अपने ऊपर बोझ उठाते ही क्यों हो? बाप ऑफर कर रहा है अपना सब बोझ बाप के हवाले करो। 63 जन्म बोझ उठाने की आदत पड़ी हुई है ना, तो आदत से मजबूर हो जाते हो। इसलिए मेहनत करनी पड़ती है, कभी सहज कभी मुश्किल। या तो कोई कार्य सहज होता है या मुश्किल होता है। कभी सहज कभी मुश्किल क्यों? कोई कारण तो होगा ना। कारण है आदत से मजबूर हो जाते। तो बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना यही सबसे बड़ी बात लगती है। अच्छा नहीं लगता मास्टर सर्वशक्तिमान और मुश्किल, टाइटल अपने को क्या देते हो, मुश्किल योगी या सहज योगी? नहीं तो अपना टाइटल चेंज करो कि हम सहज योगी नहीं हैं, कभी सहज योगी और कभी मुश्किल योगी। और योग है ही क्या, बस याद ही तो करना है। और पावरफुल योग के सामने मुश्किल हो ही नहीं सकती। योग लगन की अग्नि है, अग्नि कितना भी मुश्किल चीज़ को परिवर्तन कर देती है। लोहा भी मोल्ड हो जाता है, ये लगन की अग्नि क्या मुश्किल को सहज नहीं कर सकती? कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, बाबा क्या करें, वायुमंडल ऐसा है, साथी ऐसा है, हंस बगले हैं, क्या करें, पुरानी हिसाब किताब हैं। बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हैं। बाप पूछते हैं आप ब्राह्मणों ने कौन सा ठेका उठाया है? ठेका तो उठाया है विश्व परिवर्तन करेंगे। तो जो विश्व परिवर्तन करता है वो अपनी मुश्किल को नहीं मिटा सकता। तो आज क्या करेंगे, जमा का खाता बढ़ाओ। तो जो कहते हो सहज योगी वह अनुभव करेंगे, कभी मुश्किल कभी सहज, इसमें मजा नहीं है। ब्राह्मण जीवन है मजे की, संगम युग मजे का युग है, बोझ उठाने का युग नहीं है, बोझ उतारने का युग है। तो चेक करो अपनी तकदीर की लकीर, नॉलेज के आईने में अच्छी तरह से देखो। आईना तो है ना, या नहीं, टूट तो नहीं गया ना? सभी को आईना मिला है, माताएं आईना मिला है या चोरी हो गया? पांडव तो संभालने में होशियार है ना, आईना है, हाथ तो अच्छा उठाया है, अच्छा है। तकदीर की तस्वीर देखो और सदा अपने तकदीर की लकीर देख, वाह वाह के गीत गाओ, वाह मेरी तकदीर,
वाह मेरा बाबा, वाह मेरा परिवार, परिवार भी वाह वाह है। ऐसे नहीं ये तो बहुत वाह वाह है, ये थोड़ा सा ऐसा है, नहीं, वाह मेरा परिवार, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, ब्राह्मण जीवन अर्थात वाह वाह, हाय हाय नहीं, शारीरिक व्याधि में भी हाय हाय नहीं, वाह, यह भी बोझ उतारना है। अगर 10 मन के आपका 3-4 मन बोझ उतर जाए, 10 मन में से 3-4 मन बोझ उतर जाए तो अच्छा है, हैं? या हाय हाय क्या है, वाह बोझ उतरा, हाय मेरा पार्टी ऐसा है, हाय मेरे को व्याधि छोड़ती नहीं, आप छोड़ो तो व्याधि छोड़ेगी, वाह करते जाओ तो वाह करने से व्याधि भी खुश हो जाएगी। देखो यहाँ भी ऐसा होता है ना, किसी की महिमा करते हैं तो वाह करते हैं, तो व्याधि की भी वाह कहो, हाय यह मेरे पास ही क्यों आई, मेरा ही हिसाब, प्राप्ति के आगे हिसाब तो कुछ भी नहीं, प्राप्तियाँ सामने रखो और हिसाब किताब सामने रखो तो वह क्या लगेगा, बहुत छोटी सी चीज़ लगेगी। मतलब तो ब्राह्मण जीवन में कुछ भी हो जाए पॉजिटिव रूप में देखो, नेगेटिव से पॉजिटिव करना तो आता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव का कोर्स भी तो कराते हो ना, तो उस समय अपने आप को कोर्स कराओ तो मुश्किल सहज हो जाएगा। मुश्किल शब्द ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। अच्छा, कोई भी हिसाब है, आत्मा से है, शरीर से है या प्रकृति से है, क्योंकि प्रकृति के यह 5 तत्व भी कई बार मुश्किल अनुभव कराते हैं। कोई भी हिसाब किताब योग अग्नि में भस्म कर दो, समझा क्या करना है, जमा का खाता बढ़ाओ, बोल में भी साधारण बोल नहीं, बोल में भी भिन्न भिन्न भाव व भावना होती है, और बोल द्वारा भाव और भावना का पता पड़ जाता है, तो सदा जो भी बोल बोलो उसमें आत्मिक भाव हो और शुभ व श्रेष्ठ भावना हो। बोल भी और भावना भी माया की जो भावना है वह ईर्ष्या, हसद, घृणा आदि आदि, ये माया की भावना है। सदा शुभ भाव और भावना हो, ऐसा है चेक करना। समय का खजाना, बोल का खजाना, संकल्पों का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, एक एक खजाने को चेक करो, क्योंकि हर खजाने का खाता जमा करना है। इस वर्ष खजानों का खाता भरपूर हो तब कहेंगे फुल मार्क्स अर्थात पास विथ ऑनर। ऐसे नहीं सोचना एक खजाना अगर कम जमा है तो हर्जा नहीं, क्या हर्जा है, लेकिन पास विथ ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों में खाता भरपूर हो। अच्छा, जो एक सेकंड में अपने संकल्प को जहां चाहे जो सोचना चाहे वही सोच चलता रहे, ऐसे जो समझते हैं वो हाथ उठाओ, एक सेकंड में माइंड कंट्रोल हो जाए। ऐसे सेकंड में हो सकता है, अगर कर सकते हैं तो हाथ उठाओ। अच्छा, इस वायुमंडल में मधुबन में बैठे हो, मधुबन का वायुमंडल पावरफुल है, इस वायुमंडल में इस समय मन को कंट्रोल कर सकते हो, चाहे मिनट में करो चाहे सेकंड में करो, लेकिन कर सकते हो। ऑर्डर दो मन को, बस आत्मा परमधाम निवासी बन जाए। देखो मन ऑर्डर मानता है या नहीं मानता, ड्रिल, बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सर्व खजानों के मालिक बच्चों को सदा मुश्किल को सेकंड में परिवर्तन करने वाले, सदा सहज योगी, सदा संकल्प समय बोल कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले,
सदा बचत का खाता बढ़ाने वाले, सदा मन के मालिक, मन बुद्धि संस्कार को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले, ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चों को चाहे देश में चाहे विदेश में, लेकिन दिल से दूर नहीं, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। वरदान है ऊंचा बाप, ऊंचे हम, ऊंचा कार्य। इस स्मृति से शक्तिशाली बनने वाले बाप समान भव। जैसे आजकल की दुनिया में कोई वीआईपी का बच्चा होगा तो वह अपने को वीआईपी समझेगा, लेकिन बाप से ऊंचा तो कोई है ही नहीं। हम ऐसे ऊंचे से ऊंचे बाप की संतान, ऊंची आत्माएं हैं। यह स्मृति शक्तिशाली बनाती है। ऊंचा बाप, ऊंचे हम, ऊंचा कार्य, ऐसी स्मृति में रहने वाले सदा बाप समान बन जाते हैं। सारे विश्व के आगे श्रेष्ठ ऊंची आत्माएं आपके सिवाय कोई नहीं है, इसलिए आपका ही भाग्य गायन और पूजन होता है, आपका ही गायन और पूजन होता है। स्लोगन, संपूर्णता के दर्पण में सूक्ष्म लगाव को चेक करो और मुक्त बनो। संपूर्णता के दर्पण में सूक्ष्म लगाव को चेक करो और मुक्त बनो। अव्यक्त इशारा है, वायदा करो, छोटी छोटी बातों में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, प्रॉब्लम नहीं बनेंगे, लेकिन प्रॉब्लम को हल करने वाले बनेंगे। हम विश्व के मालिक के बालक हैं, इसी नशे में खुशी में सदा नाचते रहो। बाप के हाथ में हाथ है, बाप के साथ खुशी में सारा समय नाचो। बाप के साथ खुशी में सारा समय नाचो। अच्छा, ओम शांति।